नमस्कार दोस्तों, मधुवन टेक यूट्यूब चैनल पर आप सभी का स्वागत है। दोस्तों फाइनली मेरे इंस्टाग्राम अकाउंट के ऊपर ब्लू टिक मिल चुका है। मेरा इंस्टाग्राम अकाउंट मेटा वेरीफाइड हो चुका है। पहले वाले वीडियो के अंदर मैंने आपको कंप्लीट गाइड किया था, जीरो से लेकर आखिर तक का पूरा प्रोसेस बताया था कि कैसे आप इंस्टाग्राम अकाउंट वेरीफाइड के लिए अप्लाई कर सकते हो, कैसे मेटा वेरीफाइड के लिए अप्लाई कर सकते हो, क्या कुछ प्रोसेस रहता है, कैसे नेम वगैरह चेंज करना होता है, कैसे डीपी चेंज करना होता है, कैसे आप डॉक्यूमेंट को सबमिट कर सकते हो, कैसे मेटा वेरीफाइड का पेमेंट कर सकते हो, आगे का क्या कुछ प्रोसेस होता है, कितना टाइम लगता है, वो सब कुछ मैंने आपको बता दिया था। फाइनली अब मेरा जो है इंस्टाग्राम अकाउंट वेरीफाइड हो चुका है, मुझे मेटा वेरीफाइड का जो सर्विस है मेरे अकाउंट पर एक्टिवेट हो चुका है। अभी सबसे पहले तो मैं आपको बता दूं कि कितना टाइम लगा। तो जैसे कि मैंने फर्स्ट वीडियो के अंदर बताया था कि 30 से लेकर 60 मिनट के अंदर हो जाता है, तो यह भी मेरा अराउंड पकड़ लो कि 30 मिनट के अंदर सक्सेसफुल मेरा अकाउंट वेरीफाइड हो चुका है। मेटा वेरीफाइड का सर्विस मेरे अकाउंट पर एक्टिवेट हो चुका है। तो आज हम स्पेशली बात करेंगे कि वेरीफाइड होने के बाद क्या कुछ चेंज देखने को मिलता है, कौन कौन सी हमें एक्स्ट्रा सर्विसेज दी जाती है। बट उससे पहले आपको मेटा वेरीफाइड का ऑप्शन नहीं मिला है, कैसे मिल सकता है, उस पर डेडिकेट वीडियो बना चुका हूं, लिंक डिस्क्रिप्शन पर दे दूंगा। और अगर आपको मेटा वेरीफाइड का ऑप्शन मिल चुका है, उसके बाद का प्रोसेस क्या कुछ रहता है, कैसे आप परफेक्टली मेटा वेरीफाइड के लिए अप्लाई कर सकते हो, पूरा प्रोसेस पेमेंट के साथ डॉक्यूमेंट अपलोड के साथ बना रखा हो, उसका लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन पर दे दूंगा। तो वो वीडियो जरूर से देखना, कोई भी मिस्टेक मत करना, नहीं तो भाई रिजेक्ट हो जाएगा। अब फाइनली मेरे अकाउंट पर इनेबल हो चुका है, ब्लू टिक आपको नजर आ रहा होगा। ओके, यहां पर मैंने स्टोरी भी लगाया है, देख सकते हो कि ब्लू टिक का मेरा स्टोरी भी लग चुका है, वेरीफाइड हो चुका है। ओके, वैसे इसका कोई मैंने बहुत बड़ा तीर नहीं मारा है, क्योंकि अब हर कोई बाय कर सकता है, इसमें इसका पूरा वैल्यू खत्म कर दिया इंस्टाग्राम ने। चलो बात कर लेते हैं कि क्या कुछ बेनिफिट देखने को मिलता है। बट उससे पहले आप चैनल पर पहली बार वीडियो देख रहे हो तो सब्सक्राइब जरूर कर देना, क्योंकि सोशल मीडिया से रिलेटेड ऐसे ही अपडेटेड इंफॉर्मेशन आपको मधुवन टेक यूट्यूब चैनल पर डेली देखने को मिलती रहेगी। ओके, कुछ चेंज, सबसे बड़ा चेंज तो यह है कि कोई भी देखेगा तो उसको भाई ब्लू टिक दिखेगा, छोटा सा ब्लू टिक यहां पर यूजर नेम के साइड में दिखेगा। अब मुझे कितना टाइम लगा तो मैं आपको नोटिफिकेशन पर दिखा देता हूं, रिफ्रेश करके कि यहां पर मुझे एक नोटिफिकेशन मिला था मेटा की ओर से। ओके, ये रहा, वी कंफर्मड योर आइडेंटिटी, योर मेटा वेरीफाइड सब्सक्रिप्शन इज नाउ एक्टिवेट, यानी कि मेरा मेटा वेरीफाइड का सर्विस एक्टिवेट हो चुका है। अब कहां से आप बेनिफिट देखोगे, कहां से आपको सारा डिटेल दिखेगा, तो उसके लिए आपको 3 लाइन पर टैप करना है, सेटिंग एंड प्राइवेसी पर क्लिक कर देना होगा, अकाउंट सेंटर पर क्लिक कर देना होगा, देन यहां से नीचे की ओर स्क्रॉल करना है, मेटा वेरीफाइड पर टैप कर देना है। मेटा वेरीफाइड पर टैप करोगे तो इंस्टाग्राम एक्टिव आपको नजर आ रहा है, और फेसबुक का अभी मैंने एक्टिवेट नहीं किया है। तो इंस्टाग्राम पर मैं क्लिक करता हूं, ये मेरा एक्टिव हो चुका है। देखो ये सब्सक्राइब्ड सिंस 12 जून, यानी कि ये जो है 12 जून से मैंने सब्सक्राइब किया है 2023 से। अब नीचे मेटा वेरीफाइड एक्टिवेट दिखा रहा है और मैनेज सब्सक्रिप्शन, यहां से भाई सब कुछ पेमेंट का होगा, क्योंकि ये सिर्फ एक मंथ के लिए आपको मिलता है। 699 में एक मंथ के लिए ब्लू टिक मिलेगा, एक मंथ के लिए आपको मेटा वेरीफाइड का सर्विस मिलेगा। मैनेज में सब्सक्रिप्शन पर टैप करता हूं तो ये मुझे प्ले स्टोर पर रिडायरेक्ट करेगा, क्योंकि हमने फर्स्ट वाला वीडियो के अंदर प्ले स्टोर से ही सारा पेमेंट किया है। ये मुझे पूरा यहाँ पर डिटेल दिखाएगा कि नेक्स्ट पेमेंट मुझे कब करना होगा, 12 जुलाई को कंप्लीट करना होगा, नेक्स्ट पेमेंट कर देना होगा 699 रुपये का, 12 जुलाई को मुझे पेमेंट करना होगा, नहीं तो मेरा ब्लू टिक हट जाएगा, मेटा वेरीफाइड का सर्विस हट जाएगा। वैसे आप एक मंथ के लिए लेना चाहते हो ले सकते हो, जब भी ये डेट खत्म होगा, मुझे 12 जुलाई दिया गया है, तो आपका भी जो भी डेट होगा उस डेट के पहले पहले आपको ये डेट को ही पेमेंट करना होगा, आके पेमेंट नहीं करोगे तो दूसरे दिन आपका ये जो है हट जाएगा, ठीक है, तो पेमेंट कंपलसरी करना रहेगा। ओके, ये मैं जो है फिर से इंस्टाग्राम को ओपन कर दिया। अब यहाँ पर देखो, सी ऑल द बेनिफिट यू गेट विल मेटा वेरीफाइड, क्या क्या आपको बेनिफिट मिलते हैं, तो आप लर्न मोर पे टैप करके सब कुछ देख सकते हो, बट यहाँ पर मैं आपको सब कुछ बता रहा हूँ। तो सबसे बड़ा ऑप्शन यहाँ पर गेट सपोर्ट का दिया गया है, गेट सपोर्ट पर टैप करते हैं तो कुछ चेंजेस मिलता है। देखो अकाउंट एक्सेस पर टैप करते हैं तो यहाँ से हमारे जो है अकाउंट से रिलेटेड प्रोटेक्ट योर अकाउंट सिक्योरिटी चेकअप, या तो वैसे नॉन वेरीफाइड अकाउंट को भी मिलता है ये चेकअप का ऑप्शन, तो कोई इसमें कोई बड़ा तीर नहीं मारा है इन लोगों ने। दूसरा, गेट हेल्प विद हैकड अकाउंट, यानी कि अकाउंट पर कोई दिक्कत आता है तो ये भी आपको instagram.com/hackda करके आप करते हो तो ये भी ऑप्शन मिल जाता है, तो इसमें भी कोई नया नहीं है। वैसे ये जो है इन्होंने इसमें ऐड कर दिया है, बट ये हर कोई कर सकता है, नॉन वेरीफाइड यूजर भी कर सकता है। दूसरा ऑप्शन दिया गया है मेटा वेरीफाइड, ये सिर्फ वेरीफिकेशन यूजर्स को ही मिलेगा, इसके अंदर डायरेक्ट आप इंस्टाग्राम से कॉन्टेक्ट कर सकते हो, विद इन 24 आवर्स आपको रिप्लाई मिल जाएगा, बट आपका क्वेश्चन भी ढंग का होना चाहिए। ऐसे आप जाके बोलोगे भाई मुझे मोनेटाइज करा दो, पैसे दे दो, तो वो लोग नहीं करते हैं। यहाँ पर देखो चेंजेस, प्रोफाइल नेम एंड ये सब कुछ चेंज करने के लिए, या फिर आपका कोई कंटेंट यूज़ कर रहा है तो आप उनको स्ट्राइक मार सकते हो। ये वैसे स्ट्राइक तो नॉन वेरीफाइड यूज़र भी मार सकता है ब्राउजर पर जाके, तो इसमें भी कोई इन्होंने बड़ा तीर नहीं मारा है। समथिंग एल्स, आपको कोई दिक्कत है अकाउंट से रिलेटेड तो आप कर सकते हो, वहाँ से आपको डेफिनेटली रिप्लाई मिल जाएगा इंस्टाग्राम की ओर से विद इन 24 के आवर। तो ये बढ़िया काम कर दिया, क्योंकि ये लोग कभी रिप्लाई तो देते नहीं थे, अब पैसे लेके
रिप्लाई कर देंगे, ये बात चलो बढ़िया है। या फिर मेटा वेरीफाइड के बारे में आप लोग जान सकते हो, ब्लू बेज विजिबल के बारे में जान सकते हो, या फिर कैंसिल भी करवा सकते हो आपका सब्सक्रिप्शन, ठीक है। वैसे कैंसिल तो नेक्स्ट मंथ पेमेंट नहीं करोगे तो ऑटोमेटिकली कैंसिल हो जाएगा। अब सेफ्टी से रिलेटेड आपको कुछ टिप्स दिए जाएंगे कि कैसे आप अपने अकाउंट को सिक्योर और सेफ कर सकते हो, ये तो खैर मैंने आपको बता दिया। मोनेटाइजेशन से रिलेटेड आपको सारे टूल देखने को मिल जाएंगे। देखो ये हम हर कोई मोनेटाइजेशन टूल से मैं अर्न कर सकता हूँ। हाउ टू अर्न मनी, ये कुछ जो है इन्होंने बताया है, गेट रिसीव पेमेंट, ये सब कुछ आपको मेटा जो नॉन वेरीफाइड यूजर होते हैं उनको भी डायरेक्ट ब्राउजर पर सर्च करते तो मिल जाता है, जिसमें भी कोई नया नहीं है। प्रॉब्लम टेक्निकल एरर, ये तो हर कोई कर ही सकता है। समथिंग एल्स, आपको कोई और दिक्कत है तो ये रिडायरेक्ट कर रहा है हेल्प सेंटर पर, जो कि नॉन मेटा वेरीफाइड यूजर भी कर सकता है। सपोर्ट हिस्ट्री, यहाँ पर जितनी बार आप सपोर्ट लोगे पूरा हिस्ट्री आपका यहाँ पर कवर्ड हो जाएगा। अब इतना दिया गया है, इसके अलावा कोई भी और ऑप्शन मुझे नजर नहीं आ रहा है। एक हाँ, इन्होंने कुछ अलग से स्टिकर देने को बोला है, मे भी हो सकता है स्टोरी पर तो हम लोग देखते रहेंगे कि कोई और स्टिकर मिलते हैं या फिर नहीं। सबसे पहले एक बार फिर से दिखा दो, ये कुछ प्रोसेस रहेगा। ये मैंने 12 जून को परचेस किया है, 12 जुलाई को मुझे नेक्स्ट पेमेंट करना होगा नहीं तो मेरा हट जाएगा। गेट सपोर्ट पर टैप करके आपको सारा ये बेनिफिट, मेटा वेरीफाइड का बेनिफिट इसी पेज पर आपको देखने को मिल जाता है, ठीक है। अब दोस्तों एक बात आपको समझनी होगी कि मेटा वेरीफाइड एक्टिवेट होने के बाद आप ना तो प्रोफाइल पिक्चर चेंज कर सकते हो, ना ही अपना ये नेम चेंज कर सकते हो। वैसे यूजर नेम आप कोई भी रख सकते हो, नो प्रॉब्लम, बट बायो नेम है वो आप चेंज नहीं कर पाओगे। इस पर मैं एडिट प्रोफाइल पर टैप करके आपको दिखा देता हूँ। देखो, एज अ मेटा वेरीफाइड सब्सक्राइबर एनी चेंजेस टू मेक योर प्रोफाइल नेम और फोटो वी विल रीवेरीफाइड, यानी कि आपको कुछ चेंज करना है तो कर तो सकते हो, बट फिर से वेरीफाइड कराना होगा, फिर से गवर्नमेंट आईडी का प्रूफ देना होगा। अगर इसमें कुछ गलती कर दिया तो ये आपका वापस भी जा सकता है, ठीक है। तो देखो नेम डिसेबल दिखा रहा है, यूजर नेम मैं चेंज कर सकता हूँ, बाकी यहाँ पर मैं चेंज नहीं कर सकता। अगर चेंज करना है कर सकता हूँ, बट फिर से मुझे प्रोसेस करना होगा, फिर से गवर्नमेंट आईडी का प्रूफ देना होगा, तब जाके मैं फोटो या फिर ये नेम है वो चेंज कर पाऊंगा। बट इसमें फिर से आपका अगर रिजेक्ट हो गया तो आपका ब्लू टिक हट जाएगा, आपके मेटा वेरिफिकेशन की सर्विस हट जाएगा। अब एक इसका आपको बेनिफिट ये होगा कि आपके नेम से कोई भी फेक अकाउंट नहीं बना सकता। अगर इसी नेम से बनाएगा तो वो वेरीफाइड लेने जाएगा तो वेरीफाइड होगा ही नहीं, और इंस्टाग्राम की अगर नजर में आएगा तो उसका अकाउंट सस्पेंड कर दिया जाएगा, क्योंकि हमें अकाउंट प्रोटेक्शन का सपोर्ट भी मिलता है, कोई हमारे नेम से फेक अकाउंट क्रिएट नहीं कर सकता। और एक ऑथोरिटी बन जाती है, एक लॉयलिटी बन जाती है हमारे अकाउंट की कि ये नेम इसी बंदे का है, इसको ब्लू टिक मिला हुआ है और कोई चेंज नहीं है। अब एक और दोस्तों अच्छा काम ये किया गया है कि बाय किया हुआ ब्लू टिक और जिनको पहले भी मिला हुआ है, जिन्होंने मेहनत करके खुद का नेम बनाकर जिन्होंने ब्लू टिक लिया था, उनमें कोई चेंजेस नहीं है। ये बात करें ट्विटर की, तो ट्विटर ब्लू पर एक ट्विटर ब्लू का ही सब्सक्रिप्शन है, इसमें जो पहले से ही जो मतलब बड़ा नेता होता है, बड़ा सेलिब्रिटी होता है, उनको जो ब्लू टिक मिलता है और जो बाय करता है, उन दोनों में डिफरेंट होता है। जो बाय करता है उनके ब्लू टिक पर ट्विटर पर टैप करते तो दिखा देता है इसने पैसे देके खरीदा है, बट भाई इंस्टाग्राम पर ऐसा कोई भी नहीं है। आप किसी भी, मैं आपको दो अकाउंट साइड में शो कर रहा हूँ, आप पहला और दूसरा दोनों देख लेना, कोई भी चेंजेस नहीं है। यानी कि यहाँ पर किसी को पता नहीं चलेगा कि आपने बाय किया है या फिर आपको दिया गया है, इसमें कोई भी चेंजेस नहीं है। तो ये अच्छा रहेगा, भाई किसी को बोल सकते हैं मैंने बाय नहीं किया मुझे मिला है, ऐसे किसी को पता नहीं चलेगा, ठीक है। बाकी इतनी कुछ सर्विसेज है, एक बार मैं आपको स्टोरी पर दिखा देता हूँ क्या कुछ है। ये मैं स्टोरी पर टैप किया, यहाँ से मैं कोई भी जस्ट एक रैंडमली उठा लेता हूँ फोटो जस्ट, ताकि मैं आपको दिखा पाऊँ क्या कुछ चेंजेस है। तो यहाँ पर मुझे कोई भी चेंजेस नजर नहीं आ रहा है फिलहाल में, हो सकता है कुछ देर के बाद मुझे कोई स्टिकर ऐड होता हुआ देखने को मिले, बट मुझे नहीं लगता है कोई मिलेगा। यहाँ पर सर्च करने पर भी कुछ मिल सकता है, कुछ ग्राफिक अलग से दी जा सकती है, बट इसका कुछ ज़्यादा बेनिफिट मुझे लगता नहीं है। बाकी एक अच्छा सर्विस यह है कि अकाउंट का लॉयलिटी बन जाएगा, एक अकाउंट का जो है एक पर्सनैलिटी बन जाएगा कि एक नाम से यही इसी का बंदा है, कोई हमारा फेक अकाउंट नहीं बना सकता। बाकी का कोई भी यहाँ पर चेंजेस नहीं है। वैसे कितना रिच मिलता है, कितना एंगेजमेंट, हमें क्या कुछ डिफरेंट मिलता है, इन्होंने बोला है कि अकाउंट को थोड़ा बहुत रिच भी इंक्रीज कर देंगे। वह तो कह रहा आने वाले टाइम में हम देखेंगे कि क्या कुछ होता है, आपके लिए वीडियोज आती रहेगी, डिटेल में मैं आपको बता दूंगा। बाकी इन शॉर्ट बता दूं तो ब्लू टिक के लिए ही आप इसको यूज़ कर सकते हो। बाकी एक्स्ट्रा सर्विसेज मुझे नहीं लगता कि कोई की ढंग की काम की है, क्योंकि जो नॉन वेरीफाइड यूज़र को मिलती है वही वेरीफाइड यूज़र को दी जाती है। हाँ, एक सपोर्ट वाला सिस्टम कैसे काम करता है वो हम आगे कभी सपोर्ट करके लाइव प्रूफ वीडियो बनाकर मैं आपको बताऊंगा कि कैसा सपोर्ट देते हैं वो लोग, मेल पर कैसा रिस्पॉन्स करते हैं, वो तो खैर आने वाले टाइम में पता चलेगा। बाकी फिलहाल को लिए मैंने आपको सब कुछ डिटेल में बता दिया, इसके अलावा कोई भी बेनिफिट नहीं होता है इसका, बस यही कुछ प्रोसेस है, यही कुछ करना होगा। बाकी की वीडियोज डिस्क्रिप्शन पर लिंक दिया हो, आप लोग चेकआउट कर सकते हो। आई होप आप अच्छे से समझ चुके होंगे, सब कुछ आपको क्लियर हो चुका होगा। अभी भी आपका कुछ समझ में नहीं आया, कोई कंफ्यूजन है तो आप मुझे कमेंट करके बता सकते हो। थैंक यू सो मच, आप सबने वीडियो को यहाँ तक देखा, आपका बहुत बहुत धन्यवाद।